All right, hi everyone. New exam season, TIS और CUET का क्या है तालमेल वो डिस्कस करेंगे। CUET अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, पहला लर्निंग ये है भाई, COQP 12 याद रखिएगा, ये आपका कोड वर्ड है TIS के लिए। आपको वो लोग अपडेट करेंगे कि 26 दिसंबर से लेके 24 जनवरी तक जब तुम रजिस्ट्रेशन करते हो पेमेंट की फीस कितनी बताने वाला हूँ। 25 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हो, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एडमिट कार्ड 7 मार्च को आएगा, एग्जाम होगा 11 से लेके 20 मार्च तक। डिस्क्लेमर, आप लोग हमेशा 11 से लेके 24 को किसी भी 28 को किसी भी दिन पे चूज नहीं कर पाएंगे। वो आपको बताएंगे कि कौन सा एग्जाम हमने लगाया हुआ है, CUET COQP 12 इस तारीख को है, COQP 11 इस तारीख को है। ये वीडियो को भाई सेव कर लेना, काफी कंफ्यूजिंग है, सेव करना। एनी विच वे आई ट्राई टू मेक इन्फॉर्मेशन इजियर फॉर यू। एग्जाम का टाइम लेटर बताएंगे, पर 3 स्लॉट के अंदर एग्जाम होगा। इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगर तो आपका इंटरेस्ट है मेजर प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है, विच इज एमए इन एचआरएम, कैट भी ले रहा है वो, ठीक है। किन किन लोगों ने क्या भाई कैट दिया हुआ है भाई, फटाफट मुझे टाइप करके बताइए। कैट 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 कैट, जिन लोगों ने कैट दिया हुआ है, एमिंग फॉर एचआरएम, एमए इन ओडीसीएल, ये भी कैट के थ्रू है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एनालिटिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्फो एंड जियोस्पेशल, ये सब COQP क्यूपी 12 के लिए बहुत लोगों ने कैट कैट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और जो लोग टेस्ट के फैन है, जिस टाइपिंग टेस्ट टेस्ट टेस्ट, जो लोग टेस्ट के फैन है, ये समझ लीजिए आपको देना है COQP नंबर 12। इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुका है। इसके बाकी सारे कोर्सेज हैं, सोशल वर्क है, बहुत सारे एमए की कोर्सेज हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, कम सीटें हैं, 15 सीट, 20 सीट, 40 सीट, 60 सीट, आपको देना COQP 11। उसके अंदर आपको जीके भी है, एमए इन आर्ट्स करना है, डेवलपमेंट स्टडी करना है, ये भी काफी लोग चूज करते हैं, और रेस्ट ऑफ द कोर्सेज हैं। 1000 लाइक होने चाहिए इस वीडियो के अंदर। इफ यू गाइस डू 1000 लाइक, आई एम गोना कम लाइक टू आवर एवर। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किलिंग, थैंक यू सो मच। इनको रिप्लाई नहीं कर पाए, नीचे कमेंट करिए, थैंक यू।